आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का भजिया। उसमें एक बड़े बाउल में बेसन को अलग से रख लीजिए और दो तीन आलू को छिलका उतार कर उसको आप पतला पतला काट कर अलग से पानी में डुबो के रख दीजिए ताकि आलू में कालापन ना आए। और आप मिर्ची को भी एक दो स्पून रखिए, बड़े चम्मच में भी रख सकते हैं छोटे चम्मच में, वो आपकी इच्छा के अनुसार। कई लोग ज्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो ज्यादा डालिए मिर्ची की मात्रा, कम रहा तो कम डालिए। अब धनिया पाउडर भी एक छोटे चम्मच में अलग से रख लीजिए, जीरा पाउडर भी एक छोटे चम्मच में अलग से रख लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक को डालिए। तलने के लिए रिफाइंड ऑयल अलग से रख लीजिए और एक पिंच सोडा अलग से डालिए। और इसके बाद एक बड़े चम्मच में आप चावल के आटे को अलग से रख लीजिए और एक छोटे बाउल में धनिया पत्ती को अलग से काट कर रख लीजिए और छोटे चम्मच में आधा चम्मच आप चाट मसाला को अलग से रख लीजिए और पानी भी एक बड़े बाउल में अलग से रख लीजिए। अब ये बड़े बाउल में बेसन को डालिए, धनिया पत्ती को डालिए। जिसको लहसुन का स्वाद पसंद है तो लहसुन भी कुचर के आप डाल सकते हैं और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, राइस फ्लोर, स्वाद के अनुसार नमक और एक चुटकी सोडे को डाल के पानी डाल के गाढ़ा मल लीजिए। इस तरह ये पेस्ट को इतना गाढ़ा मल लीजिए। आलू से सभी पानी को हटाकर आप ये बेसन में डाल दीजिए। जितना आलू हो सके उतना डालिए। इस तरह बेसन में अच्छे से लपेटिए, आलू को अच्छे से लपेटिए। अब कढ़ाई में तेल को गरम करिए। गरम होने के बाद ये लपेटे हुए बेसन के साथ आलू को डालिए। दोनों तरफ से अच्छे से लपेटना चाहिए ताकि आलू में बेसन अच्छे से यह मिक्स हो जाए। और धीमे आंच में रखिए ताकि आलू भी अंदर से पक जाए। इस तरह रेडी होने के बाद आप सब भजी को निकाल के रख दीजिए। तरह भजिया को तलने के बाद इसे अलग से प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसे किसी भी चटनी के साथ, खटमिट्टी चटनी या टमाटो सॉस या चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।